नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे छंद छंद आपको केवल दो ही पढ़ने हैं जो भी कक्षा दस के विद्यार्थी हैं दो छंदों में केवल आपको रोला और सोरठा दो ही छंद पढ़ने हैं तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं रोला और सोरठा इससे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बेसिक से जानकारी पूरी मिलेगी आपको कि कैसे आपको मात्राएं निकालनी है कौन सा शब्द है कौन सा अक्षर है कौन से वर्ड पे एक मात्रा लगेगी कौन से वर्ड पे दो मात्राएं लगेंगी वो बातें हम आज क्लियर करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि आपको दो अंकों की तैयारी यहां से करनी है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ये आपकी जिम्मेदारी है यहां से शुरू होता है हमारा छंद ठीक है हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चीजें मिलती रहें समय समय पर वैसे तो छंद जो है वो छद धातु से बना हुआ है और इस छद का मतलब है आह्लादित करना आह्लादन का मतलब होता है मनोरंजन करना प्रसन्न करना तो छंद में आह्लादित करना छद इससे मतलब आपको नहीं है आपको बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है शॉर्टकट में समझिए जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की विशेष व्यवस्था होती है संगीतात्मकता लयात्मकता होती है छंद कहलाती है अर्थात लय तुक ताल गति विराम आदि से सुसज्जित वर्णों की एक व्यवस्था छंद कहलाती है वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें यति गति लय तुक ताल मात्राओं आदि का ध्यान रखा जाता है वह रचना छंद कहलाती है और छंद से छंद के बंधन से मुक्त रचना गद्य कहलाती है मात्रा किसे कहते हैं मात्रा उच्चारण काल में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं या यूं कहें कि हम उच्चारण काल को ही क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं यानी हमने वर्ण बोला जैसे हमने कहा का तो जो का बोलने में समय लगा वो एक मात्रा का लगा या दो मात्रा का लगा एक मात्रा बराबर एक सेकंड एक सेकंड में एक पल होता है पल मतलब जो पलक होती वो सेकंड ही मान लीजिए अगर हम किसी वर्ण को बोलने में दो सेकंड लगाते हैं यानी दो पल लगाते हैं दो क्षण का समय लगता है तो उसे दो मात्रा काउंट होती जैसे का छोटा का हमने कह दिया तो का कहा तो एक मात्रा कहा हमने को को तो दो मात्राएं यानी मात्रा काल उच्चारण काल अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं इतनी बात तो क्लियर हुई होगी आगे बढ़िए मात्रा के प्रकार अब छंदों में मात्राएं दो प्रकार की होती हैं कितनी होती हैं मात्र दो प्रकार की एक मात्रा आपकी होती है लघु जिसको हम ह्रस्व कहते हैं क्या कहते हैं ह्रस्व कहते हैं इसका चिन्ह हम पूर्ण विराम लगाते हैं और दूसरी होती है गुरु गुरु मतलब दीर्घ और ये इसका चिन्ह होता है अवग्रह चिन्ह ये कहलाता है अवग्रह चिन्ह यानी ये आ की ध्वनि निकालता है लेकिन इसे हम गुरु चिन्ह कहते हैं ठीक है यानी दो मात्राओं के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे एक मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे जब हमें छोटा आ चंद्र बिंदु मिलेगा तो हम लगाएंगे एक मात्रा हमें बड़ा आ मिलता है बड़ी ई मिलती है बड़ा ऊ मिलता है ए मिलता है आए मिलता है ओ मिलता है आओ मिलता है अन होगा और इतनी मात्राओं पे हमें हमें लगाना है गुरु का चिन्ह ठीक संयुक्त व्यंजन अगर मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन के पूर्व के वर्ण पर लगता है क्या डबल चिन्ह जैसे आपका लिखा है जैसे आपने लिखा चच्चा ठीक है आपने लिखा चच्चा तो चच्चा में आप देखेंगे चापे क्या है एक मात्रा निकालेंगे फिर ये जो 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 आधा चाह है तो ये जो ये हो गया संयुक्त व्यंजन ठीक है ये संयुक्त वर्ण हो गया अब यहां पर चाह पर दो मात्राएं लगेंगी और यहां पर भी दो मात्राएं लगेंगी ठीक है क्योंकि इसकी आधी मात्रा हमेशा पहले वाले में काउंट होती है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ठीक इतनी बात क्लियर यानी जब आ ई री और चंद्र बिंदु होगा तो हमें लगानी है एक मात्रा अगर बड़ा आ बड़ी ई छो बड़ा ऊ ए, आ ए, ओ आओ अन आह यानी कि ये चिन्ह बिंदी होगी तो हमें दो मात्राएं लगानी हैं संयुक्त व्यंजन जैसे डबल चा आ जाए कत आ जाए या स्या हो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं तो इसके पहले वर्ण में हम इसकी मात्रा को काउंट करेंगे या उच्चारण के आधार पर भी हम मात्राओं को कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसा किसी वर्ण पर हम बहुत जोर लगा के बोलते हैं वहां पर हम उस वर्ण पर दो मात्राएं लगाएंगे चूंकि जोर से बोला है भले ही वो हो, और अगर हम किसी वर्ण को किसी छंद को पढ़ते समय किसी अक्षर पर बहुत हल्के से हम बोलते हैं और जबकि वो दो मात्राओं वाला है दीर्घ है दीर्घ वर्ण है दीर्घ अक्षर है बड़ा अक्षर है लेकिन हम उस पर हल्के से आवाज देते हैं जब पढ़ते हैं छंद तो वहां पर एक ही मात्रा लगाएंगे जबकि दो लगनी चाहिए तो प्रवाह की वजह से लय की वजह से उच्चारण के आधार पर भी हम मात्राएं कम या ज्यादा छंदों में कर लेते हैं आगे उदाहरण आप देखेंगे तो मिल जाएगा अब इतनी बात समझ में आई होगी छंद में एक होता है यति यति बोले तो विराम होता है अब यह विराम क्या होता है छंद की लय के प्रवाह में आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं यति कहते हैं समझ में आया जब हम छंद पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो आने वाला विराम है उसको कहते हैं यति जैसे हे मृग हे मधुकर श्रेणी अब हल्का सा विराम यहां आया तुम देखी सीता मृगुनैनी फिर विराम आया तो यहां पर यति लगी ठीक है यति हो गई तो ये पाद या चरण पाद मतलब होता है चरण चरण मतलब होता है पाद प्रायः हर एक छंद में चार पंक्तियां छंद में होती हैं और इन्हीं में से एक पंक्ति को चरण कहते हैं ठीक है जैसे रहीमन लहिला की भली जो परसय लाए तो पहला पहल इसमें दो चरण हो गए रहीमन लहिला की भली एक चरण जो परसय लाए दो चरण परसति मन मैला करे तीन चरण मैदा की जरिया चार चरण हो गया ठीक तो चार चरण होते हैं सम चरण और विषम चरण क्या होते हैं ये समझ लो सम चरण हम दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं पहला और तीसरा चरण जो होता है वो विषम होता है जैसे मैं अभी आपको सोठा के माध्यम समझा दूं दोहे के माध्यम से आ, समझा देता हूं दोहे के माध्यम से कनक कनक ते सौ गुनी ये हो गया पहला चरण मादकता अधिकाय ठीक है कनक कनक ते सौगुणी मादकता अधिकाय पाए बौराय जग वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय जल्दबाजी नहीं करना है ठीक है अब यहां पर देखिए हम क्या समझा रहे हैं समचरण किसे कहते हैं और विषम चरण किसे कहते हैं तो दूसरा और चौथा इसमें दूसरा कौन सा हुआ इसमें जो दूसरा चरण है ये हो गया चौथा चरण ये हो गया यानी कि ये दोनों चरण क्या हो गए ये समचरण हो गए ठीक है दूसरा और चौथा समचरण हो गए पहला और तीसरा ये पहला हो गया और ये तीसरा जो हो गया ये विषम चरण हो गए बात समझ में आई पहला और तीसरा जिसमें विषम अंक हैं वो विषम मात्रिक सम दो और चार सम अंक होते हैं ना तो सम चरण इतना ध्यान रखिएगा और चलते हैं आगे ये काम खत्म हुआ आते हैं हम छंद के प्रकारों पर क्योंकि आपके क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में सवाल कहां से बनता है आप नहीं जानते पिछली बार एक सवाल बना था 2023 में कि आप छंद कितने प्रकार के होते हैं बताइए प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो ऐसे प्रकार भी पूछता है तो ध्यान हर चीज को देना है छंद के प्रकार यहां देखेंगे छंद भैया तीन प्रकार के होते हैं वार्णिक मात्रिक और मुक्तक छंद ठीक है ठीक है वार्णिक मात्रिक और यहां पर एक और लिख लीजिएगा मुक्तक छंद मुक्त छंद यहां पर लिखना भूल गए हैं यहां पे आप मुक्त लिख लीजिएगा छंदों के प्रकार बोलो छंद तीन प्रकार के बोलो कितने प्रकार के छंद तीन प्रकार के कौन कौन से मात्रिक छंद वार्णिक छंद और मुक्त छंद मात्रिक छंद में हम क्या वार्णिक छंद में हम क्या करते हैं वर्णों यानी कि अक्षरों की गणना करते हैं अक्षरों को हम क्या करते हैं निश्चित संख्या की गणना करते हैं अक्षरों की क्या करते हैं गणना करते हैं गिनते हैं मात्रिक छंद में आपको मात्राओं की गणना करनी होती है मात्राओं की संख्या निर्धारित हो वह मात्रिक छंद कहलाते हैं और मुक्त छंद में कोई बाध्यता नहीं आती है निराला मुक्त छंद के प्रणेता है निराला की कविताएं मुक्त छंद की कविताएं अधिकतर हुई हैं जैसे वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर तो निराला की तमाम ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है कोई छंद उसमें नहीं होता है ठीक है तो समझ गए तीन प्रकार के छंद है वाणिक मात्रिक और मुक्त छंद तीन प्रकार के हैं छंदों के प्रकार पे एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से एक नंबर पक्का अब आपको पढ़ना है केवल मात्रिक छंद ठीक है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सोरठा कैसा छंद है तो ये एक मात्रिक छंद है रोला कैसा है रोला भी क्या है मात्रिक छंद है तो आपको केवल दो छंद पढ़ने हैं रोला और सोरठा ये अगर अगर आपने पढ़ लिए तो यही आने हैं इसके बाहर तो कुछ आना नहीं जब है ही नहीं तो रोला और सोरठा पढ़ना है आपको दोनों ही इस बार पढ़ने पड़ेंगे ये नहीं है कि एक पढ़ लें क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन तो किससे बन जाए कुछ पता नहीं है अथवा करके नहीं बनता तो सोरठा और रोला दोनों मात्रिक छंद हैं। तो आपसे अगर बहुविकल्पी में यह पूछ ले कि सोरठा कैसा छंद है तो आप बता देंगे मात्रिक छंद है ठीक है रोला कैसा मात्रिक छंद है लक्षण देखिएगा यह दोहे का उल्टा होता है दोहे का उल्टा होता है इसके प्रथम और तृतीय चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं द्वितीय और चतुर्थ चरण में तेरा तेरा मात्राएं होती हैं यानी सम चरण ये हो गए और ये हो गए ये कौन से चरण हो गए विषम हो गए ठीक है यानी इसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह दूसरे और चौथे चरण में तेरा तेरा मात्राएं होती हैं वो होता है सोरठा समझो कि कुंद इंदु दोहा सोरठा का उदाहरण सुनिए कि कुंद इंदु समेह उमारमन करुणा अयन जान दीन परने कृपा मर्दन अयन यहां पर देखिए अब हम इसकी भी निकालेंगे मात्राएं देखो कुंद कुंद इंदु समेह यहां पर हम दो निकालेंगे यहां पर एक यहां पर भी दो यहां पर एक एक और एक और देह में ठीक दे में एक ही मात्रा हमने एक ही मात्रा बताया था कि दो निकालेंगे तो यहां पे कुंद में बिंदी इसलिए दो निकालेंगे दो तीन दो पांच तीन आठ तीन ग्यारह यहां पर ग्यारह निकल आए ठीक है यह कौन सा चरण है यह पहला चरण है ये दूसरा चरण है यह तीसरा चरण है और चौथा चरण आगे है फिर उमा उमा राम करुना अय इसमें निकालो तेरह होंगी तीन दो पाँच दो सात एक आठ दो दस तीन तेरा मात्राएं ये कितनी है ये तेरा मात्राएं हो गई फिर जा ही दीन पर नेह जा और ही दी और ना पर ने और हा नीचे निकालते हैं हमेशा उल्टा हम निकाल रहे हैं आप नीचे निकालिएगा दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एग्जामिनर समझ जाएगा तो तीन तीन छे दो आठ तीन ग्यारह यहां पर भी ग्यारह हो गई अब आपने पढ़ा था कि दोहे का उल्टा होता है इसके पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह होती हैं ये आ गया भैया पहला चरण ये तीसरा चरण इसमें भी ग्यारह है और इसमें भी ग्यारह है ठीक अब हम आगे निकाल लेते हैं करहु कृपा मर्दन अयन करहु क्री अच्छा कृपा में क्री, क्री में हम हल्के से जोर देते हैं रीढ़ की मात्रा पे एक लगता है यहां पे लगा देंगे मर्दन दो लगा देंगे और आ या न तीन, चार सात तीन दस तीन तेरा तो चौथे में तेरह मात्राएं हो गई ठीक है तो ऐसे निकालेंगे मात्राएं फिर अगला उदाहरण देखिए कि जो सुमिरत सीधी हो जो सुमिरत सिधि हो गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह बुद्धिरासि शुभ गुण सदन जो सुधि हो जो सुमिरत सिधि हो गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरासि शुभ गुण सदन ठीक है ये भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं मात्राएं एक बार हम गिन लेते हैं गड़बड़ हो तो बता देंगे यहाँ पे जो ए दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो दस एक ग्यारह ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह बिल्कुल सही यहाँ पे ग्यारह सही और फिर देखिए एक दो तीन चार दो छः दो आठ दो दस एक ग्यारह सही दो तीन दो पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सही ठीक है अब आप कहेंगे कि सर यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पे कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं यहां पे आधा धा लगा इसकी मात्रा यहां पे काउंट हो गई है अब देखो अन्य उदाहरण देख लो सुरठा के क्योंकि अब ये पूछता है कि निम्नलिखित छंद में कौन सा मतलब निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है तो बंदो रूपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महा मोह तम पुंज जासु वचन रब करो निकर तो यहां पर भी आप लगा सकते हैं मात्राएं कर लेंगे कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मड़ी आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा ठीक है बंदहु पद कंज रामायण जी ही रहित दूषण सहित ठीक है? अब यहां देखिए रोला हम पढ़ते हैं सोरठा समझ में आया होगा पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में तेरा तेरा मात्राएं होती हैं अंत में लघु गुरु का विधान गुरु लघु का विधान है ठीक है तो सोरठा आपको समझ में आया उदाहरण भी दे दिया हमने और सोरठा विषम मात्रिक छंद है लेकिन ये जो रोला है ये समात्रिक छंद है ये कैसा है सममात्रिक छंद है चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में चौबीस चौबीस मात्राएं होती हैं ग्यारह और तेरह पर मात्राओं पर यति यानी कि विराम होता है रोला कैसा है सममात्रिक छंद है चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में चौबीस चौबीस मात्राएं होती हैं समझ में आया रोला कैसा है सममात्रिक छंद है ग्यारह तेरह पर यति होती है चार चरण होते हैं सम मात्रिक छंद है तो बढ़ते हैं आगे ठीक है उदाहरण देखिएगा कि कौ पापी ही तो प्राप्त सुनि जम धावत बनी बनी बावन वीर चढ़त चंद मचावत कौपापी तो प्राप्त सुनि जम गन धावत कौपापी तो प्राप्त सुनि जम धावत बनी बनी बावन बीर बढ़त तो चंद मचावत की की लोथ त्रिपथ गा के तटलावत विसरावत नौ ग्यारह पांच ही विसरावत, विसरावत। भारतीय जी को अब आप कहेंगे कि सर को में तो की मात्रा लगी है लेकिन फिर भी आपने क्या किया इस पे एक मात्रा काउंट की तो सुनो भाई को आप क्या बोलते हैं को तो को पे बहुत कम जोर देते हमने कहा उच्चारण के हिसाब से भी मात्राएं चेंज होती हैं तो को एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चौबीस मात्राएं हो गई ठीक है फिर अन्य उदाहरण देखिएगा कि स्वाति घटा घहराती मुक्ति पानी सोपुरी याद आपको तो यही होगा ठीक है यही याद होगा और एक और हम सुना देते हैं आपको कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल बल से मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी जहाजी ये हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी ये भी आप लिख सकते हैं और बढ़ते हैं हम अगले पायदान पर और यहां पर आते हैं आपके अभ्यास प्रश्न जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं तो इसमें यही पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित पंक्तियों में नहीं छंदों के नाम तो मैं समझो निर्धार यह जगु कांचो कांच सो एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां कौन सा छंद है भाई साहब तो यहां पर हो जाएगा आपका सोरठा कौन सा छंद सोरठा छंद है कि भरत चरित तुलसी जे सादर ही सुनी, सियाराम पद प्रेम, हो मन रस विरति यहाँ पर कौन सा छंद है यहाँ पर भी आपका सोठा छंद है ठीक है कि जो सुमिरत सिद्धि हो गण नायक करहु कर अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन यहाँ पर भी आपका सोठा छंद है कि बंधह पद कंज रामायण जहि निर्मयो सर्वरसुको सुकोमल मंजु दोष रहित दूसन सहित और यहाँ पर भी आपका सोठा छंद है ठीक है तो हमने आपको पूरे छंद पढ़ा दिए हैं दो ही छंद आपको पढ़ने थे इंटरमीडिएट का एक साथ बहुत सारे लोगों के लिए हम पढ़ाएंगे एक साथ पूरे पढ़ा देंगे हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जैसे एक सपना वर्मा हैं, राज राजमौरिया हैं, सचिन गोंड जी हैं कृष गुप्ता हैं। कहीं पर दिक्कत हो तो बताओ हां कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो बता सकते हो एग्जाम्पल कैसे याद करें प्रज्ञा कुशवाहा गाते रहो या हमारी वीडियो दस बारह बार सुनो सुनो कान में लगा के तो प्राप्त सुनी जम गन धावत बनी बनी बामन भीर बढ़त मचावत ताकी भी ता तटलावत नौ दो ग्यारह होत तीन पाँच ही बिशरावत या फिर आपको याद करना तो ये याद कर लो रोला जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बल मेटिधर में मुगल कुराजी और जिनके आगे ठहर सके जंगी ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति याद कर लो और सोठा भी ऐसे गागा के याद कर लो जो सुमिरत सिधि हो गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन तो सुन लो यही बार बार याद हो जाएगा अनुभव जी कह रहे हैं आंसू आंसू सुना दीजिए चलिए भाई देखो शेयर करो शेयर करो यार बहुत अच्छा है संस्कृत की सौरभ पाल प्लेलिस्ट बनी हुई है आप पढ़ लीजिएगा ठीक है